नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कोई भी माताएं बहनें वो भी कर सकती हैं, कोई जेंट्स हो वे भी कर सकते हैं, कोई भी मतलब इस उपाय को कर सकता है। यदि आप नेगेटिविटी को लेकर के परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है और आप पैसों से बर्बाद हो रहे हैं, आपका घर बिखर रहा है, तो आप इस क्रिया को करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि शत्रु आपको आप पर हावी हो रहे हैं, काफी लोग कितनी बार ऐसे कॉल करते हैं कि मुझे कुछ लोगों से बहुत भयानक खतरा है, कुछ लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, ऐसा वैसा, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, वे तमाम लोग भी इस उपाय को करेंगे तो शत्रुओं की जो शक्ति है अपने आप खत्म होती है। शत्रु आपकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा, सिर्फ इतना ही नहीं, वो बर्बाद हो जाएगा। शत्रु आपके सामने अपने आप अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा यदि इस क्रिया को आप करते हैं। और वे लोग जिनके शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी जो पीछा नहीं छोड़ रही है, तो भी आप इस उपाय को करें, क्योंकि ऐसी बीमारी होने की वजह कितनी बार आपके ग्रह दोष होते हैं, कितनी बार आपके ऊपर छोड़ी गई नेगेटिविटी होती है, कितनी बार कोई नेगेटिविटी आपके साथ कहीं न कहीं से चली आई होती है जो आपके शरीर को जकड़ लेती है, तो वे लोग भी इस उपाय को करें। बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा आपको। दोस्तों, रविवार के दिन आपको एक बिल्कुल फ्रेश नींबू ले लेना है। क्या करना है? फ्रेश, बिल्कुल रस से भरा हुआ नींबू लेना है। नींबू के लेकर के आप शिवालय में चले जाएं, शंकर जी के मंदिर में। वहां जाकर आप दिया बत्ती लगाएं शंकर जी के नाम का, और आप उस नींबू को लेकर के बैठ जाएं और आप इस मंत्र को बोलें 21 बार, ओम होम जुम श, ओम होम जुम श। ये शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र है। या तो आप इसे बोलें, या फिर जो दूसरा मंत्र है जो थोड़ा बड़ा है, यदि वो आपको आता है तो आप उसे भी 21 बार बोल सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारिक मेवबंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है और महादेव जी से आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी, यदि आप शत्रुओं से परेशान है कि आप मुझे इससे निजात दिलाए, यदि आप कोई नेगेटिविटी को लेकर के परेशान है तो उसके लिए आप प्रार्थना करें, आपके घर में व्यय ज्यादा हो रहा है उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, कोई रोग है उसके लिए भी आप प्रार्थना करें कि मुझे इस रोग से निजात दिलाए। उसके बाद दोस्तों, उस नींबू के ऊपर आपको जो शंकर जी की जलहाड़ी से, जो शिवलिंग के ऊपर से जो पानी बहकर आता है, उसके छींटे मार देने हैं। या फिर आप कंटिन्यू जब मंत्र को बोलते हैं तब भी आप छींटे भी मार सकते हैं, और इस मंत्र को मुट्ठी में रख करके भी बोल सकते हैं। इस नींबू को मुट्ठी में भी रख करके बोल सकते हैं, फिट मुट्ठी बंद करें या फिर हाथ में रखें और दूसरे हाथ से उस पर पानी छिड़के, बिल्कुल वो पानी जो शिवलिंग से बहकर के नीचे आ रहा है, या फिर उसे आप जहां पर पानी बहकर आता है वहां पर आप उसे रख सकते हैं। लेकिन जब आप उसे रखते हैं, एक आधी अपनी उंगली उस पर छुआ करके रखें, टच करवा कर रखें जब आप इस मंत्र को बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र। 21 बार बोल लेने के बाद आप उस नींबू को शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए टच करवाएं, जैसे कि आप महादेव जी का आशीर्वाद ले रहे हैं और उन्हें नींबू अर्पित कर रहे हैं, बराबर। फिर उस नींबू को लेकर के आप बैठ जाएं दोनों हाथों के बीच में ऐसे, और आप बोले ओम भैरवाय नमः। क्या करना है आपको? बोलना है ओम भैरवाय नमः। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है, 21 बार महामृत्युंजय, और 21 बार ही आपको इस मंत्र को भी बोलना है। और आपको काल भैरव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी समस्या है, कि मुझे इस समस्या से निजात दिलाए, बराबर। इतना करने के बाद आपको उस नींबू के दो टुकड़े कर लेने हैं। क्या करना है?
दो टुकड़े आपको उस नींबू के कर लेने हैं। आधा नींबू आपको काल भैरव के नाम से जला देना है। कपूर के ऊपर रख करके आप उस नींबू को जला दें। इस क्रिया को आप अपने घर में जाकर के भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, जहां आपको उचित लगता हो वहां पर आप इस क्रिया को करें और काल भैरव के नाम का एक चौमुखा दीपक जला दें। मंदिर में भी जला सकते हैं, आप अपने घर में पूजा स्थान में भी जला सकते हैं। पहले आप चौमुखा दिया जला दें और उसके बाद आधा नींबू आप जहां आपकी इच्छा हो वहां आप उसे जला दें। जलाएं ऐसे कि नींबू मतलब बिल्कुल जल जाना चाहिए। शत्रु तो आपके बिल्कुल खत्म, रोग दोग जो भी होगा तो आपको तुरंत दोस्तों उसमें निजात मिल जाएगी। जो आधा नींबू बचता है उसे आप अपने पास रखें, अपने घर में रखें, पूजा स्थान में रखें और दूसरे दिन सुबह उस नींबू को आप शिवालय में जाकर के या अपने पूजा स्थान में भगवान शिव का नाम लेकर के उसे सोमवार के दिन जला दें। रविवार के दिन आधा नींबू आप काल भैरव के नाम से जलाएं और सोमवार के दिन आधा नींबू आप शिव जी के नाम से जला दें। नींबू आपको आड़ा नहीं काटना है, ऐसे खड़ा काटना है। आड़ा बिल्कुल भी मत काटना, ऐसे रखना है और उसको खड़ा सीधा काट देना है। दोनों के नाम से आप आधा आधा नींबू जला दें। रिजल्ट दोस्तों आपको बहुत बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। कम से कम 3 रविवार या फिर 3 सोमवार, 3 रविवार सोमवार दोनों ही दिन आपको करने हैं, तो 3 बार आप इस क्रिया को करें। रविवार रविवार सोमवार सोमवार, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल ही जाएगा, नो डाउट। मैं फिर से बता दूं, आप किसी भी काम को जितना ज्यादा पॉजिटिव होकर के करेंगे उतनी जल्दी दोस्तों आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।